हेलो दोस्तों, हमारे हिस्ट्री ज्ञान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डूंगरपुर ज़िले के इतिहास के बारे में और वहां की संस्कृति के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। डूंगरपुर भारत के राजस्थान राज्य के डूंगरपुर ज़िले में स्थित एक नगर है। ये जिले का मुख्यालय भी है। यहाँ से होकर बहने वाली सोम और माही नदियाँ इसे उदयपुर और बांसवाड़ा से अलग करती हैं। पहाड़ों का नगर कहलाने वाला डूंगरपुर में जीव जंतु और पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं। डूंगरपुर वास्तुकला की विशेष शैली के लिए जाना जाता है, जो यहां के महलों और अन्य ऐतिहासिक भवनों में देखी जा सकती हैं। डूंगरपुर की स्थापना 13वीं शताब्दी में राजा डूंगरिया भील ने की थी। रावल वीर सिंह ने भील प्रमुख डूंगरिया को हराया, जिनके नाम पर इस जगह का नाम डूंगरपुर पड़ा। 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे अपने अधिकार में ले लिया। ये जगह डूंगरपुर प्रिंसली स्टेट की राजधानी थी। दोस्तों, अगर यहाँ के महलों की बात करें तो यहाँ के महल हैं चूना महल। सफ़ेद पत्थरों से बने इस 7 मंजिला महल का निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ था। इसकी विशालता को देखते हुए ये महल से अधिक किला प्रतीत होता है। इसका प्रसिद्ध नाम पुराना महल है। इस महल का निर्माण तब हुआ था जब मेवाड़ वंश के लोगों ने अलग होकर यहाँ अपना अपना साम्राज्य स्थापित किया था। महल के बाहरी क्षेत्र में बने आने जाने के संकर रास्ते दुश्मनों से बचाव के लिए बनाए गए थे। महल के अंदर की सजावट में कांच, शिशु और लघु चित्रों का प्रयोग किया था। महल की दीवारों और छतों पर डूंगरपुर के इतिहास और 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच राजा रहे व्यक्तियों के चित्र करे गए हैं। इस महल में केवल वे मेहमान ही आ सकते हैं जो उदय विलास महल में ठहरे हो। देव सोमनाथ डूंगरपुर से 24 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। देव सोमनाथ सोम नदी के किनारे बना एक प्राचीन शिव मंदिर है। मंदिर के बारे में माना जाता है कि इसका निर्माण विक्रम संवत 12वीं शताब्दी के आसपास हुआ था और इस मंदिर के बारे में यह भी कहा जाता है कि इसे एक रात में बनाया गया था। बिना किसी चुनई के सफ़ेद पत्थर से बने इस मंदिर पर पुराने समय की छाप देखी जा सकती है। मंदिर के अंदर अनेक शिलालेख भी देखे जा सकते हैं। गेप सागर झील। इस झील के खूबसूरत प्राकृतिक वातावरण में कई पक्षी रहते हैं, इसलिए यहाँ बड़ी संख्या में पक्षियों को देखने में रुचि रखने वाले यहाँ आते हैं। झील के पास ही श्रीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर है। मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर के अलावा कई छोटे छोटे मंदिर हैं। इनमें से एक मंदिर विजयराज राजेश्वर का है, जो भगवान शिव को समर्पित है। राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर का मिला जुला क्षेत्र वागड़ कहलाता है। वागड़ प्रदेश अपने उत्सव प्रेम के लिए जाना जाता है। यहाँ की मूल बोली वागड़ी है, जिस पर गुजराती भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। वागड़ प्रदेश की बहुसंख्यक आबादी भील आदिवासियों की है। वागड़ क्षेत्र में लबाना समाज के लोग भी बड़ी संख्या में निवास करते हैं। ये समाज लव वसंत कहलाती है। ये समाज भी राजनीति और साधन स्वागत के लिए मानी जाती है। राजाओं के राज्य में भी इस समाज को समान के रूप में नायक पद्मी से सम्मानित किया गया था, एवं राजा अपनी गाड़ी को लेकर इनके इलाकों को जाया करते थे। वहाँ पर कलाल समाज के भी लोग रहते हैं। ये इलाका पहाड़ों से घिरा हुआ है। इन्हीं के बीच इन आदिवासियों का गहरा है। इन लोगों के बारे में कहा जाए तो वे दुनिया की बातों से अजनबी है। वे अपने ही लोगों में रहते हैं। जैसे कहा गया कि वे दुनिया के वास्तविकता से कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं, लेकिन गुजरात पास में है तो काम के सिलसिले में अहमदाबाद प्लान होता है और नेशनल हाईवे की स्थिति में ही इलाका होने के नाते लोग अब जानने लगे हैं। इन्हें देखा जाए तो वे दूसरों के लिए हमेशा मदद के लिए तैयार होते हैं, यही इनकी विशेषता है। जैसे शादी की बात की जाए तो लोगों की मदद की वजह से शादी की विधि पूरी की जाती है। शादी के हल्दी की रस्म में जो कोई हल्दी लगाने का दुल्हन या दुल्हन को लगाना आते हैं तो हर कोई अपने हिसाब से पैसे देते हैं और उसी से शादी की आगे की रस्म पूरी की जाती है। हमारी भारतीय संस्कृति पुरुष प्रधान मानी जाती है, लेकिन इन लोगों में औरतें और पुरुष एक जैसे ही माने जाते हैं। लड़के और लड़कियों को अपने पसंदीदार व्यक्ति को चुनने की क्षमति होती है। जैसे अप्रैल महीने में भगोरिया नाम का त्यौहार होता है। इनमें लड़के लड़कियां मेले में आते हैं। इस मेले में अपने पसंदीदार व्यक्ति को चुनने शादी की जाती है। इनके लिए होली ये सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। होली के 15 दिन पहले ही ढोल बजाए जाते हैं। होली के दिन में लड़के लड़कियाँ नृत्य करते हैं, जिसे गेर नाम से जाना जाता है। भाषा, यहाँ की भाषा अगर जानो तो वागड़ी में बोली जाती है। ये भाषा थोड़ी सी गुजराती तथा हिंदी भाषा से मिलती है। वैसे तो पास में ही 24 किलोमीटर की दूरी पर गुजरात है, इस वजह से भाषा उनसे मिलती जुलती है। यहाँ पर महुआ नाम की शराब बनाई जाती है। जब महुआ के पेड़ पर फूल आते हैं तो बड़े से लेकर छोटे बच्चों तक महुआ के फूलों को बीनते हैं, उसके बाद उस पर महुआ जाती है। शिक्षा अब इन्हीं लोगों में बढ़ रही है। स्कूल में लड़कियों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा दिखेगी। ज़्यादा करके बच्चे वहाँ पर शिक्षक शिक्षिका बनने की रुचि रखते हैं।